इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है, इसकी मईशत की हालत क्या है, इसकी गिरती इकोनॉमी आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन महंगाई जिस तरह से आसमान को छूने वाली है, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नायब सदर जनाब दस्तगीर आगा साहब, और उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से कुछ इस तरह के यानी कि वो मुकाबले उन्होंने रखने की कोशिश की है कि जिस तरह से जो महंगाई आने वाली है उसके मद्देनज़र हमें कितना प्रिपेयर, कितनी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले दस्तगीर आगा साहब, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। ये जो आपने जो कंसेप्ट नया लाया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से न्यूट्रिशियस नेचर रेसिपी कंटेस्ट, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहला हमारे मीडिया भाइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें ये कॉन्टेस्ट के बारे में लोगों में मकबूलियत दिलाने का एक ज़रिया बने हैं, और साथ ही साथ और एक पहले से करो। मैं सबसे पहला हमारे जमील भाई और हमारे इकबाल भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारी दावत पे आए और हमारा पैगाम आवाम में पहुंचाने की जो करे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आज जो हमारी रमज़ान ईद है, मैं सब तमाम देशवासियों को, तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को मैं रमज़ान की ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। और आज जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो एक कॉन्टेस्ट के जरिए एक आवाम में एक मैसेज पहुंचाना चाह रही है, वो ये है कि आने अभी जो हालात जो बने हुए हैं बहुत संगीन है, बहुत सीरियस है। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उसके साथ साथ ये कोविड का अभी जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, पूरे वबा जो पूरे देश भर में फैली हुई है, इससे बहुत सारे लोग मुतासिर हुए। लेकिन जो बीमार हैं, अल्लाह हमें अल्लाह से दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द वो उन्हें एक नए शिफा मिले और उन्हें उसमें से रिकवर हुए। लेकिन उससे बड़ी जो मुसीबत जो आने वाली है वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। आज बहुत सारे देश में बिजनेसेस लॉकडाउन हो चुके हैं, बिजनेसेस पूरे ख़त्म हो चुके हैं, जॉब कट्स हो चुके हैं और महंगाई बढ़ रही है। और हमारा ये मतलब जो एक्सपर्ट्स का जो मानना है कि बहुत सारे आने वाले दिनों में कि फूड जो फूड प्राइसेस जो है कम से कम 50% के ऊपर बढ़ेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद में। जब अगली जब फसल आएंगी तब जो 50% से ऊपर जो है वो बढ़ेंगे। तो इसकी जो जंग है ये तो एक सियासी जंग है, हम सियासी तौर के ऊपर हम लड़ रहे हैं, हमारे MPs, हमारे MLA, हमारी जो भी मुस्लिम लीग की जो भी कोशिश है हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवाम की भी एक जिम्मेदारी बनती, और खास करके हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनकी एक उनकी भी एक नई जिम्मेदारी बनती है कि ये लड़ाई में वो किस तरह से हिस्सा ले। ये लड़ाई का पहला जो इकदाम होता है कि जो भी बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि ये जो लड़ाई का जो पहला जो ये है वो है अपने घर के चूल्हे से। तो हमारा ये कॉन्टेस्ट के जरिए हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना जो अखराजात है, अपने जो बजट है, जो किचन बजट जो है, वो किचन बजट को कम से कम करने की कोशिश करें। तो ये हम एक न एक कॉन्टेस्ट लाए हैं, वो कॉन्टेस्ट के हिसाब से वो हम इनामात तकसीम करेंगे जो अच्छा जो खाना बनाए, क्योंकि आज हमारे को बजट कम बजट में अच्छा खाना खाना है, क्योंकि पूरा हेल्दी खाना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है। तो ये खाना खाने के लिए हमारा जो बजट जो हाई होता है, और हमारे को एक अल्लाह एक अच्छा मौका दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर भी चलना है और कम से कम खाना है,
और इतने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करना है, तो ये कोशिश में ये हमारा पहला कदम है। और मैं चाहता हूँ कि पूरी आवाम इसका साथ दे, समझे ये बात को और इसमें एक ना इसका फ़ायदा उठे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नायब सदर जनाब दस्तगीर आगा साहब ने जो फूड रेसिपी जो कम बजट में अच्छे खाने के रेसिपी बनाने के लिए जो कॉन्टेस्ट मुनाकद किए हैं, उसके बारे में मैं चंद ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि आज दुनिया भर में COVID-19 की बीमारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है मईशियत के शिकार हो चुकी है, मईशियत सारी की सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है, मजदूर गांव से प्लान करके दूसरे गांव अपने गांव चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वापस मजदूर को अपने गांव आना ये बड़ा मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के घरों के चूल्हे जलना भी आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है। सवाल पैदा ये होता है कि जब कमाने वाले कम आमदनी की वजह से बड़ी फैमिली को मेंटेन करना, बहुत सारे लोगों को खिलाना पिलाना, उनका निगरानी करना बड़ी मुश्किल हो रही है, तो ऐसी सूरत में यहाँ मुस्लिम लीग की जानिब से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से जो कॉन्टेस्ट रखा गया है वो हमारे लिए बड़ी सराहने की बात है, बड़ी तारीफ की बात है कि कम बजट में अच्छे न्यूट्रिशियस फूड, अच्छी गिज़ा हमें कैसे मिले। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ खासकर मुसलमानों में तरह तरह के अकसाम के खाने खाए जाते हैं, किस्म किस्म के सालन होते हैं और किस्म किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं, जिसमें जो है मीठा अलग होता है, सब्जियां अलग अलग किस्म की होती है, गोश्त में वैरायटीज़ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और जो है स्वीट होते हैं, इस तरह से जो है बहुत सारे अकसाम के खाने खाए जाते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए जो है हमें ऐसा प्लान करना है, ऐसा एक मंसूबा बनाना है कि हमारी भूख भी भर जाए, पेट भी भर जाए, भूख भी मिट जाए और कम बजट में हमारा ये काम पूरा हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अलग अलग अकसाम के खाने खाने के बजाय जो है एक किस्म का खाना हम बनाएंगे, जैसे कि खिचड़ी होती है जिसमें जो है तरह तरह की सब्जियां मिक्स करके एक खाना बनाया जाता है और उसमें पेट भर के खा लिया जाता है, या जो है सब्जियां अलग अलग पकाकर खाने के बजाय जो है एक ही किस्म की सब्जी में जो है हम खाना खा सकते हैं। जैसा गोश्त, हर मुसलमान जो है गोश्त के बगैर जो है रह नहीं सकता, इसके लिए जो है गोश्त 1 किलो खाने के बजाय जो है 1.5 किलो खा लें, 1.5 किलो जो है इस्तेमाल करें, जिसमें सब्जी में डाल कर इस्तेमाल करें, या दाल में डाल कर गोश्त, दाल गोश्त बनाएं या सब्जी गोश्त बनाएं, या जो है खाने में गोश्त मिलाकर पकाकर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि तरह तरह के खाना खाने के बजाय एक किस्म का खाना जो है खा लें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है अलग अलग अकसाम के खाने दिए जाते थे तो उन्होंने जो उसमें से एक किस्म का खाने का मुंतखब कर लेते थे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, हम तमाम मुसलमानों को जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना है और अपने जो है बजट के हिसाब से ज़िंदगी को गुजारना है। जैसे जब जब हम जो है मिलजुल कर, एक बड़ी फैमिली मिलजुल कर रहती है घर में, 10-15 लोग रहते हैं, तो अलग अलग खाने पकाने के लिए भी गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, घर की औरतों का इस्तेमाल, घर के औरतों का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बर्तनों का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए सारे लोगों का खाना जो है एक ही बर्तन में बनाया जाए, जैसे कि खिचड़ी बनाते हैं, सब मिलाकर एक बनाते हैं, तो सब मिलकर बैठकर खाएंगे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किफ़ायत शायरी पर अमल करेंगे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना हमारे लिए ज़रूरी है और जो है हर तरह के अलग अलग वैरायटीज़ बनाते जाएंगे तो गैस का भी हमारा ज़ाया होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, नुकसान हो जाता है और पकाने के लिए भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तरह तरह के खाने खाने के बजाय जो है एक किस्म का खाना हम खाएंगे और 3 वक्त जो हम खाना खाते हैं, हम इससे अपने चूल्हे से, अपने घर से इसका अमल करेंगे कि 3 वक्त के खाना खाने के बजाय 2 वक्त का खाना खाएंगे। ये बड़ी मुश्किल की बात है, 3 वक्त का खाना बंद करके 2 वक्त के खाना खाना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि जो है इसके आदि बनना बहुत ज़रूरी है।
आजकल जो है सब तरफ जो है मईशियत की तंगी की वजह से जो है रुपयों पैसों की तंगी की वजह से जो है बहुत मुश्किलात आने वाले हैं। आने वाले दौर में इससे ज़्यादा मुश्किलात बढ़ने की भी अंदेशे नज़र आ रहे हैं। इसके लिए जो है 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना हम खाएंगे और 2 वक्त का खाना ऐसा हो कि वो खाना जो है हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो, यानी अच्छे खुराक हमारे लिए हो। दालों का इस्तेमाल ज़्यादा हो और खाने में जो है दाल को मिलाकर बनवाएं या जो है सालन में गोश्त को मिलाकर बनाएं या दाल में गोश्त को मिलाकर बनाएं या खाने को एक तरह का खाएं। और जब फ्रूट खाने बैठें तो सिर्फ फ्रूट पर ही जो है अपना एक टाइम का खाना मुकम्मल कर लो। अगर जब आप स्वीट खा रहे हैं तो स्वीट को ही एक टाइम का अपना खाना बना लो और उसे मुकम्मल कर लो। जब खाना खा रहे हैं तो एक टाइम का खाना उसको मुकम्मल कर लो। इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारी जो है पैसों की तंगी से भी हम बच सकते हैं, फजूल खर्ची से भी बच सकते हैं और किफ़ायतशारी पर हम अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये रेसिपी कॉन्टेस्ट जो रखा गया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से, इसमें जो है जो भी माओं बहनें अपना हिस्सा लेना चाहती हैं, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हैं, तो यहाँ जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस नंबर पर जो है अपना नाम सबसे पहला रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने में कोई फीस नहीं है, वो अपना नाम जो है खुद रजिस्टर करा सकते हैं, अपना एड्रेस अपना फ़ोन नंबर जो है रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ नंबर जो है 9178298830 75, इस नंबर पर जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। बता दूँ।